आपको बॉटल से और बॉटल कैप से किस तरीके से फ्लावर बनाते हैं वो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। तो और उसके लिए मैंने क्या क्या सामान लिया है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने शीट्स लिए हैं, ईयरबड्स लिए हैं, स्केच पेन लिया है, ये बॉटल की कैप्स हैं और बॉटल ली है, कलर्स लिए हैं, जो भी कलर आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फ्लावर बनाना। ठीक, अब मैंने ये येलो पेंट जो है एक बॉल में निकाल लिया। कलर निकालने के बाद अब मैं बॉटल को लूँगी और इसके अंदर बॉटल को अच्छे से, जो बॉटल का नीचे का हिस्सा है उस पर अच्छे से कलर लग जाए, इसको कलर में डिप कर लेंगे। डिप करने के बाद हम इस शीट के ऊपर बॉटल को ऐसे रखेंगे और थोड़ा प्रेशर लगाएंगे इसके ऊपर, शीट के ऊपर, और बॉटल को इसके बाद ऊपर उठाएंगे और देखिए ये मेरा फ्लावर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी तरीके से हम बाकी फ्लावर्स बनाएंगे। दिखा दो दोनों पे, ये देखिए ये मैंने 1 2 3 4 5 6 सिक्स फ्लावर यहाँ पे हमने बना लिए। अभी इसको हम, ये अभी गीले हैं कलर, तो इसको हम ड्राई करेंगे। ड्राई करने के लिए अभी इसको हम शीट को छोड़ देंगे। अब ये देखो हमारी शीट जो है जिस पे हमने फ्लावर पेंट किए थे ये हमारी सूख गई है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे से स्केच पेन से हम ये ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक लीफ बनाएंगे और ये मैंने टहनी से बना दी है। इसी तरीके से हम बाकी में करेंगे। अब मैंने ये रेड कलर ले लिया है और मैंने ये ईयरबड लिए है, इसके अंदर मैं डिप करूंगी। डिप करने के बाद ये जो मैंने फ्लावर्स बनाए हैं इसके बीच में मैं इसको ऐसे एक डॉट लगाऊंगी, ये देखिए ऐसे। इसी तरीके से मैंने जितने भी फ्लावर्स बनाए हैं मैं सब फ्लावर्स में इस टाइप का डॉट जो है यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। ये देखिए हमारा फ्लावर कितना सुंदर लग रहा है। अब ये देखो बच्चों कितना सुंदर फ्लावर बन गए हैं। आप भी इस तरीके से घर पे बना सकते हैं और कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं।